अब बाकी बचा हुआ ऐड करेंगे। अब आपको पानी ऐड नहीं करना, ज्यादा चलाएंगे तो भुजिया जो है वो घुट जाएगी, मतलब टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। एकदम खिली खिली सी भुजिया बनानी है आपको, तो इसलिए बस इस तरीके से चारों तरफ फैलाकर और हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। डिश आउट कर लिए गर्मा गर्म भुजिया, बहुत ही मजे की दिख भी रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप जरूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे भुजिया तो ना तो आपकी ज्यादा घुटेगी और ना ज्यादा खराब होगी और बहुत ही मजे की बनके तैयार होगी, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए इस तरीके से बनाने की। और इसके साथ में आप सर्व कर सकते हैं सादा रोटी या मक्के की रोटी, उसके साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार आप जरूर ट्राई। मेरे शायद से एक नब्बे किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक की सब्जी, आप उसको भुजिया भी बोल सकते हैं, भुजी भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो लिया है पालक, सोया ले ली है 250 ग्राम और 250 ग्राम ली है मैदा, 5 ले लिए हैं मीडियम साइज के आलू। और चटनी के लिए मैंने लिया है आधा छोटी चम्मच नमक, 7 से 8 ली है लहसुन की कलियां और 4 से 5 ली है लाल मिर्च, इनको बारीक पीस लेंगे। नमक लिया है स्वाद अनुसार और तड़के में ऐड करेंगे 10 से 12 ली है लहसुन की कलियां जो बारीक काट ली है, एक छोटे साइज की प्याज जो बारीक काट ली है, 2 ली है लाल मिर्चें जो तड़के में ऐड करेंगे, बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिए हैं, आधा छोटे चम्मच लिया है जीरा, ये तड़के में ऐड करेंगे चारों चीजें। तो सबसे पहले कट कर लेंगे पालक, ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से मैंने कट करके एक्स्ट्रा डंडियां जितनी भी थी पालक की वो कट कर ली है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इन तीनों चीजों को, मेथी सरसों, ये देखिए इस तरीके से मैंने कट करा है, सरसों को मेथी को भी इस तरीके से कट कर लिया है, जितनी भी एक्स्ट्रा डंडियां थी वो निकाल दी हैं, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, कट कर लेते हैं उनको बारीक बारीक, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कट करिए बारीक बारीक, इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक आपको कट करना है, अच्छी तरह से बारीक करना है जिससे कि अच्छी तरह से टेस्ट आए आलू का और भुजिया को जो है अच्छा तरीके से टेस्ट आए, तो इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, हाथ में इस तरीके से लेकर पालक को, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कट, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कट करिए। देखिए बारीक कट कर लिया है पालक थोड़ा सा, अब इसमें मेथी और सोया इन दोनों को मिक्स करके आप इस तरीके से हाथ में ले लेंगे और ये भी कट कर लेंगे बारीक सा। मेथी सोया को इस तरीके से बारीक बारीक आपको कट करना है, ये देखिए इस तरीके से मैंने बारीक बारीक सभी तीनों चीजें अच्छी तरह से काट ली है, सोया मेथी और पालक। अब आइए छोंकते हैं सब्जी को, तकरीबन 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा, ये देखिए हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है जीरे का, अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन, लहसुन को भी लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे, देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है लहसुन का, इसमें ही ऐड कर लेंगे बारीक कट करी हुई प्याज, ये भी लाइट गोल्डन कर लेंगे प्याज को भी, ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है प्याज, अब इसमें ही ऐड कर लेंगे लाल मिर्चें तड़के वाली जो बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं, तैयार हो चुकी हैं सारी चीज़ें, अब इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कट करा हुआ पालक मेथी और सोया, इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ये ऐड कर लिया है अभी मैंने थोड़ा ऐड करा है तड़के में, मिक्स कर लेंगे, लो फ्लेम रखा अभी मैंने गैस का, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब बाकी, ये देखिए आधा मैंने पालक जो है पालक सोया और मेथी आधा मैंने ऐड कर लिया है और आधा बचा लिया है, इस तरह की पीसेस में कट कर लिए हैं आलू, ये अब ऐड कर लेते हैं आलूओं को। ये आलू ऐड कर लिए हैं, अब दरदरी पिसी हुई चटनी ये ऐड कर लेंगे, आपको जैसी पसंद हो चटनी आप उसके हिसाब से, दरदरी पीसना चाहें दरदरी पीसिए और चाहें तो आप बारीक भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मैंने दरदरी पीसी हुई है। अब बाकी बचा हुआ
ऐड करेंगे। अब आपको पानी ऐड नहीं करना है, मिक्स नहीं करना, बस आपको इस तरीके से कवर कर देंगे आलू और चटनी जो ऐड करी है वो। देखिए जितना भी पालक कट करके रखा था वो भी ऐड कर लिया है। अब साथ में ही ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक मैंने चटनी में भी ऐड करा था इसलिए थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है। देखिए और आपको बस मिक्स नहीं करना है, लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और तकरीबन 3 मिनट के बाद में चेक करेंगे इसको। आइए चेक कर लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट के बाद में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ऊपर नीचे। लो फ्लेम पर रखा है 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद में चेक कर लेंगे कि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए हैं। आइए चेक कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद में आलू चेक कर लेंगे। ये देखिए काफी अच्छी तरह से आलू जो है मैश हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके हैं आलू। अब हाई फ्लेम पर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, देखिए देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी है वो हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से आपको भुनाई करनी है क्योंकि भुनाई से ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा भुजिया में, तो आप भुनाई ज़रूर करिए वरना तो अजीब सी पिचपिची सी लगेगी खाने में। तो इसलिए आप ज़रूर फ्राई जितनी अच्छी हो सकती है जितना हो सकता है आप उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जितना कि एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सूख जाए। इस तरीके से आपको ज़्यादा चलाना भी नहीं है वरना ज़्यादा चलाएंगे तो भुजिया जो है वो घुट जाएगी, मतलब टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, एकदम खिली खिली सी भुजिया बनानी है आपको। तो इसलिए बस इस तरीके से चारों तरफ फैलाकर और हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर से वैसे ही फैला देंगे चारों तरफ। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सूख चुका है। इस तरीके से देखिए आपको चेक करना है कि भुजिया जब नीचे लगने लगे तो आप समझिए कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुशक हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा चिपकने लगी है नीचे, भुजिया बनके एकदम तैयार हो चुकी है। और गैस कर देंगे ऑफ और डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।